दोस्तों अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हम किसी से कोई काम करवाना चाहते हैं लेकिन वो सामने वाला करता ही नहीं। अगर आप एक सेल्समैन, पॉलिटिशियन, लॉयर या एंटरप्रेन्योर हो तो आपको रोजी रोटी ही दूसरों को कन्विंस करने से मिलेगी। एक सेल्समैन को अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए दूसरों को कन्विंस करना होता है, एक पॉलिटिशियन को दूसरों को वोट देने के लिए कन्विंस करना होता है और एक एंटरप्रेन्योर को अपने एम्प्लॉयज और अपने पार्टनर्स को अच्छे से काम करने के लिए कन्विंस करना होता है। अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं हो तो भी आपके लिए दूसरों को कन्विंस करने वाली स्किल बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। अब चाहे वो एक जॉब इंटरव्यू में इंटरव्यूअर को कन्विंस करना हो या अगर आप जल्दी में हो और आपको लाइन में लगकर टिकट लेना है तो लाइन में आगे खड़े लोगों को पीछे जाने के लिए कन्विंस करना हो। आज मैं आपको एडवांस साइकोलॉजी पर बेस्ड 5 टिप्स बताने जा रहा हूं जिससे आप दूसरों से अपनी बात आसानी से मनवा सकते हो। लेकिन याद रहे कि इन टेक्निक्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो लोग समझ जाएंगे कि आप उनका इस्तेमाल कर रहे हो। तो वीडियो को कर दो लाइक, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आइए एक एक करके इन पांचों मेथड्स को समझते हैं। द रिदम ऑफ 3। इस मेथड में जब आप लोगों से कोई काम करवाना चाहते हो तो आप उन्हें 3 ऑप्शंस देते हो। इन 3 ऑप्शंस में से 2 ऑप्शंस को चूज करने से एक नेगेटिव रिजल्ट मिलता है और लास्ट ऑप्शन को चूज करने पर पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। यह मेथड कॉन्ट्रास्ट प्रिंसिपल पर काम करता है। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप अपना एक हाथ गर्म पानी में डालो और दूसरा हाथ ठंडे पानी में। थोड़ी देर बाद अपने दोनों हाथ निकालकर नॉर्मल पानी में डालो। आपको एक हाथ में ठंडक महसूस होगी और दूसरे हाथ में गर्माहट। जब लैब में यह एक्सपेरिमेंट किया गया तो सब्जेक्ट्स की शक्ल देखने लायक थी। वो ये देखकर हैरान थे कि एक ही चीज दो हाथों से टच करने पर डिफरेंट कैसे फील हो सकती है। इस प्रिंसिपल का यूज सेल्स में बहुत ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आप एक वेट लॉस प्रोग्राम बेच रहे हो और आपको लोगों को कन्विंस करना है कि वो आपका प्रोग्राम खरीद लें। ऐसे में आप उन्हें कुछ इस तरह से 3 ऑप्शंस दे सकते हो और ये 3 ऑप्शंस मैंने एक प्रोफेशनल एडवर्ड आर्टिस्ट से रिकॉर्ड करवाए। सुनिए जरा आपसे। आपके पास पहला ऑप्शन है कि आप एक वेट लॉस बुक को पढ़िए और खुद से अपना वेट कम करने की कोशिश कीजिए। ऐसे में आपको वेट लॉस करने में सालों लग जाएंगे क्योंकि आपके पास ना तो कोई इक्विपमेंट है और ना ही एक पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान। आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपने कोई लोकल जिम में जाएं और महीनों तक पैसे और पसीना बहाएं। लेकिन आप कितने लोगों को जानते हैं जो काफी टाइम से जिम करते हैं लेकिन उन्हें अच्छा रिजल्ट्स मिलता ही नहीं है। वो अपने पैसे बर्बाद करते रहते हैं लेकिन उनका वेट सेम ही रह जाता है। आपके पास तीसरा और सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप मेरे प्रोग्राम को लीजिए जो कि आपको आपकी पर्सनालिटी, मेटाबॉलिज्म और गोल्स के हिसाब से एक पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान और एक्सरसाइज प्लान बताता है जिससे आप बिना बहुत सारे पैसे या एनर्जी खर्च किए अपना वेट कम कर सकते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हो इस एग्जाम्पल के फर्स्ट ऑप्शन में आपके पैसे बच रहे हैं लेकिन बहुत एनर्जी खर्च हो रही है और रिजल्ट्स की कोई गारंटी नहीं है। दूसरे ऑप्शन में पैसे खर्च हो रहे हैं लेकिन रिजल्ट्स की गारंटी फिर भी नहीं है। तीसरा ऑप्शन दोनों के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छा है। इसे चूज करने पर आप ऑप्टिमम रिजल्ट पा सकते हो। एक बार आप इस मेथड को समझ लो तो ये आपको हर एक मार्केटिंग मैसेज में देखने को मिलेगा। नंबर 2, ये शायद आपके लिए ना हो। मैंने इस मेथड का नाम ही यही रखा है तो आप ये मत सोचो कि ये आपके लिए ना हो, ये बिल्कुल आपके लिए है। इस मेथड का यूज एक्सपीरियंस्ड कार सेल्समैन अक्सर करते हैं। जब आप एक अच्छे कार के शोरूम में जाओगे सेल्समैन अक्सर आपसे कुछ ऐसा कहेगा, उधर मत जाइए वहां पर महंगी गाड़ियां हैं, वो आपके लिए सुटेबल ना हो शायद, आपकी चॉइस के कार्स इधर हैं। या जब एक एंटरप्रेन्योर को अपने किसी एम्प्लॉय से कोई काम करवाना होता है तो वो कहता है, वैसे तो मैं तुम्हें तुम्हारी एबिलिटी देखकर यह काम दे रहा हूं लेकिन अगर ये तुमसे नहीं हो पाएगा तो बताओ मैं राजेश से बात करूं। इसे रिवर्स साइकोलॉजी कहते हैं। जब कोई हमसे कहता है कि हम एक पर्टिकुलर काम को नहीं कर सकते तो हम उस काम को और भी ज्यादा करना चाहते हैं। स्पोर्ट कोचेज और आर्मी के सर्जेंट्स अक्सर इस टेक्निक का यूज करके अपनी टीम को मोटिवेट करते हैं। जब उनकी टीम का कोई बंदा अच्छा परफॉर्म नहीं करता तो वो उसे कहते हैं, अभी से कमजोरी आ रही है तो घर पर बैठ जाओ, ये तुमसे नहीं हो पाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाहर जाकर लोगों से इस लैंग्वेज में बात करना शुरू करो। एक बात का ध्यान रहे कि ये टेक्निक सिर्फ हेल्दी सेल्फ एस्टीम वाले लोगों पर ही काम करती है। अगर आप लो सेल्फ एस्टीम वाले लोगों पर इसे यूज करोगे जो पहले से खुद को निकम्मा समझते हैं तो वो उस काम को और नहीं करेंगे। साथ ही अगर लोगों को पता लग गया कि आप उन पर ये टेक्निक का यूज कर रहे हो तो वो आपकी बात नहीं मानेंगे। आपका सटल होना बहुत जरूरी है। लोगों को इंडिपेंडेंस पसंद है, उन्हें ये लगना चाहिए कि वो जो कर रहे हैं वो उनकी ही चॉइस है, उन पर थोपी नहीं गई है। नंबर 3, आप इसके बारे में जानते हैं, यही इस टेक्निक का नाम है। अगर आपको किसी बंदे से अपने लैपटॉप में नया विंडोज इंस्टॉल करवाना है या कोई ऑनलाइन फॉर्म भरवाना है या कोई भी थोड़ा सा टेक्निकल काम करवाना हो तो आप उससे सबसे पहले यह सवाल पूछो, तुम इस टॉपिक के बारे में क्या जानते हो।
जब आप ये सवाल पूछते हो तो सामने वाला बंदा अपनी नॉलेज झाड़ने लगता है। वो एक एक्सपर्ट दिखने की कोशिश करता है ताकि उसकी इमेज इम्प्रूव हो सके। एक बार वो अपना ज्ञान समाप्त करे तो आप उससे कहिए, यार ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, कर दोगे मेरे लिए? इसके बाद वो आपकी बात मान ले, इसके चांसेस काफी इंक्रीज कर जाते हैं। किसी से भी जब आप कोई काम करवाने की कोशिश करते हो तो आपको सबसे पहले उनके इनर्शिया से लड़ना होता है। आपको न्यूटन का फर्स्ट लॉ याद होगा, ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट टेंड टू स्टे एट रेस्ट एंड ऑब्जेक्ट इन मोशन टेंड टू स्टे इन मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। और यही ये बुक चैनल के अबाउट सेक्शन में भी लिखा है, आप जाके देखना। इसका सिंपल सा मतलब ये है, चीजें एक हद तक अपनी स्टेट को मेंटेन रखने की कोशिश करती हैं। यही रीजन है कि आपका सुबह सोकर उठने का मन नहीं करता और रात में जल्दी सोने जाने का मन नहीं करता। आप जो काम करते रहते हो वही करते रहना चाहते हो। आप रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, आप वही करते रहना चाहोगे। आप यूट्यूब वीडियोस देख रहे हो, आप वही करते रहना चाहोगे। जब आप लोगों से ये दो बातें पूछते हो, पहली ये कि तुम इस टॉपिक के बारे में क्या जानते हो और दूसरी ये कि यार ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, मेरे लिए कर दोगे? तो आप धीरे धीरे उनके इनर्शिया को तोड़ने लगते हो। आप उन्हें उस काम के बारे में सोचने पर मजबूर कर देते हो और उनका सेल्फ एस्टीम इन्फ्लेट कर देते हो। इसके बाद वो खुद को और ज्यादा प्रूव करने के लिए आपका काम करने लगते हैं। नंबर 4, इफ आई डू दिस विल यू डू दैट? दोस्तों, दुनिया गिव एंड टेक पर चलती है। आप लोगों को बिना कुछ दिए उनसे कंटिन्यूसली काम नहीं करवा सकते, आपको रेसिप्रोसिटी को यूज करना होगा। रेसिप्रोसिटी का प्रिंसिपल सिंपल है, जब आप किसी बंदे के लिए कोई काम करते हो तो वो आपका आभारी हो जाता है, इसके बाद वो आपके लिए कोई भी काम करने के लिए तैयार हो जाता है। सुनने में काफी सिंपल लगता है लेकिन ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। चैरिटी के लिए पैसे मांगने वाले लोग अक्सर राह चलते लोगों को एक फ्लावर गिफ्ट में दे देते हैं। एक छोटा सा गिफ्ट देने के बाद जब वो लोग उनसे पैसे मांगते हैं तो वो लोग सिर्फ पैसे देने के लिए ही राजी नहीं हो जाते बल्कि ज्यादा पैसे देकर जाते हैं। जब वह लोग बिना फूल दिए लोगों से पैसे मांगते हैं तो वो लोग उन्हें अनदेखा कर चले जाते हैं। ऐसा ही फ्रूट मार्केट में भी होता है। आप देखिए, फ्रूट्स वाले रेडी रहते हैं बिल्कुल आपको चखाने के लिए एक फ्रूट में से कुछ काट के। जब आप वो चख लेते हो तो आप में फीलिंग ऑफ रेसिप्रोसिटी आती है, फिर आप सोचते हो कि अब इससे ही खरीद लो यार, इसका खाया है। इसलिए नेक्स्ट टाइम आपको अपना किसी से काम करवाना हो तो आप ये पता लगाओ कि उस बंदे को क्या पसंद है। अगर उसे किटकैट पसंद है तो आप उसे अपना काम करवाने से पहले किटकैट दे दो और फिर अपनी रिक्वेस्ट उसके सामने रखो। नंबर 5, पुट देम बिटवीन बुल्स हॉर्न। एक बार एक राजा अपने महल में बैठे बैठे बिल्कुल बोर हो गया। उसने अपने राज्य में अनाउंसमेंट करवा दिया, जो बंदा मेरे पास आकर सबसे अच्छा झूठ बोलेगा उसे मैं एक सोने का सेब दूंगा। यह ऑफर सुनकर पूरे शहर के लोग दरबार में अपने अपने झूठ लेकर आ गए। कोई भगवान से मिलकर आया था तो कोई भूत के साथ बीड़ी पीकर। राजा सबके बकवास झूठ सुन सुनकर फिर से बोर हो गया। वो ये स्टूपिड गेम बंद करने ही वाला था कि कोर्ट में एक बूढ़ा आदमी एक मटका लेकर आया। बूढ़े आदमी ने मटका जमीन पर रख दिया। फिर उसने राजा से कहा, आपने आज से 10 साल पहले मुझसे वादा किया था कि आप मुझे यह मटका भरकर सोना दोगे, मैं अपना सोना लेने आया हूं। इस पर राजा ने कहा, यह क्या बकवास है, मैं तुमसे कभी नहीं मिला, तुम झूठ बोल रहे हो। तो बूढ़े आदमी ने कहा, ऐसा है तो मुझे सोने का सेब दे दो फिर। राजा कंफ्यूज हो गया। अगर वो बूढ़े की कहानी मान ले तो उसे मटका भरकर सोना देना होगा, लेकिन अगर वो उसकी बात को ना माने तो उसे सोने का सेब देना होगा। राजा ने डिसाइड किया कि ये वाकई काफी अच्छा झूठ था, इसलिए उसने उस बूढ़े इंसान को सोने का सेब दे दिया। पुटिंग समवन बिटवीन बुल्स हॉर्न का सिंपल सा मतलब ये है, दूसरों को इस वहम में रखो कि उनके पास एक चॉइस है, लेकिन वो चाहे कुछ भी चुने फायदा आपका ही होगा। पॉलिटिशियंस और जादूगर लोग अक्सर इस मेथड का यूज करते हैं। आपको लगता है कि आप कार्ड के डेक में से अपनी चॉइस वाला कार्ड उठा रहे हो जबकि आपको वो कार्ड फोर्स किया हुआ होता है। ये बिल्कुल ऐसा है कि आप किसी को एक बेल के दो सींग के बीच में खड़ा कर दो, वो लेफ्ट जाए तो भी उसे सिंह चुभे, वो राइट जाए तो भी उसे सिंह चुभे। इन 5 मेथड्स का यूज जरा आप संभल कर करना, क्योंकि अगर लोगों को पता लग गया कि आप उनका इस्तेमाल कर रहे हो तो आपकी रिलेशनशिप्स खराब हो सकती हैं। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों कमेंट करना है तो बस यस लिख देना, मैं समझ जाऊंगा कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और इस वीडियो की बातों को सपोर्ट करने के लिए लाइक जरूर करना। तो अब अगर आप चालाकी से बात करना सीखना चाहते हो तो आप राइट साइड वाली वीडियो पर क्लिक करो, और अगर आप एक जेंटलमैन की तरह बिहेव करना सीखना चाहते हो तो आप लेफ्ट साइड वाली वीडियो पर क्लिक करो। ये बुक ऐप डाउनलोड करो जहां पर आप 400 से ज्यादा बुक समरीज को सुन सकते हो बिना किसी एड्स के हिंदी में। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।